तो हमारी लिट्टी चोगा पार्टी हो गई है स्टार्ट। तो मैंने और करण ने बेट लगाया, ये सही है तो करण को मुझे 500 देना पड़ेगा, तो लेट्स सी क्या होता है। अरे बाप रे। मेरा भेलपुरी बैदू का पाव भाजी जो मैं पूरा खाने वाला हूँ। मैंने 2 साल पहले लिया था ये, पर स्वेटर को पूछता ये क्या है, बोला ये फालूदा है, ठीक है एक मंगा लो। बहुत लिमिटेड पहनती, कभी कभार पहनती हूँ तो इसलिए मैं नहीं लेती। कैसे देख रहे हैं? Hey guys, welcome back to our channel, The Kind Travelers. तो हम लोग आ गए मुंबई CST और क्यों आए ये वैदु आपको बताएगी। Yes, हम लोग इसलिए आए बिकॉज मुझे शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग इसलिए करनी क्योंकि हम लोग जो वेडिंग के टाइम यहाँ पे आए थे ना प्रॉफिट मार्केट में, तभी एक स्टोर मैंने देखा था जहाँ पे बहुत ही प्यारी कुर्तीज मिल रहे थे, और वो भी ऐसे वैसे कुर्तीज नहीं, एकदम ट्रेंडिंग कुर्तीज थी जैसे मुझे चाहिए थी, और इतने प्यारे कलर से। तो मैंने करण को बोला था अभी तो नहीं, पर शादी के बाद हम लोग एक राउंड मारेंगे। मैं एक चीज बताऊँ, मेरे को याद ही नहीं है कौन सा बोल रही है, पर इसको मैं कुछ याद नहीं रहता। और नवरात्रि भी आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ले लेते, अभी जाके एक राउंड मार के देखते कुछ अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। और आज अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से किसने किसको कॉपी किया है, तो वो आप मुझको कॉपी किया है। बहुत चोर है ये लड़की, बहुत चोर है। मैंने कॉपी नहीं किया, आज बैदू ने कॉपी किया, पर चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। दिखा तो देंगे हम लोग की क्या क्या करने वाले, लेकिन उसके लिए फोन में बैटरी होनी चाहिए, और मैडम जी ने फोन चार्जिंग पे तो लगाया था लेकिन बटन चालू करना भूल गई तो बैटरी हो गई थी डेड। बट नो वरीज, आई हैव अ सोल्यूशन। अब आप बोलोगे कि वैदू के इतने छोटे से बैग में कैसा सोल्यूशन है? ड्यूरासेल 20,000 mAh स्लिमेस्ट पावर बैंक। ये पावर बैंक 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है एंड इट सपोर्ट्स क्विक चार्जिंग विद 22.5 वोल्ट्स पावर डिलीवरी। तो बस हमने पावर बैंक ऑन कर लिया, USB-C पोर्ट में केबल डाल दिया और हमारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और देखते ही देखते हमारा फोन 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट 64% चार्ज हो गया था। ड्यूरासेल के इस पावर बैंक के साथ आपको एक USB केबल भी मिलेगा, और स्क्रीन पर अभी इनपुट और आउटपुट के डिटेल्स है इस पावर बैंक के। ये पावर बैंक काफी लाइट भी है एंड इट हैज अल्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए क्रॉफर्ड, तो चलो चलते हैं और घूमते हैं। पहुंच गए हम लोग यहाँ पर और आपको यहाँ से सिर्फ एक स्नीक पीक दे देता हूँ। भीड़ भाई साहब यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं है, और अभी तो हम लोग बस एंटर कर रहे हैं वैदू। चलो चलते, ये देखो गाइस भीड़ यहाँ पर, मतलब आप कभी भी आ जाओ हमेशा रहती है। ये मार्केट में गाइस आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। हाँ, अगर आपको अपना डुप्लीकेट भी चाहिए वो भी मिल जाएगा शायद। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, पुश। बाप रे भीड़, ये शॉप है वो, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़। ये शॉप में जाके मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लेना है और क्या नहीं। फाइनली मैंने कुछ तो ले लिया, और जो चीज़ ली है वो आपको इस वीडियो के एंड में देखने मिलेगा। दिखाओ वैसे लगा के दिखाओ। और ये अभी ट्रेंड में इधर है। तो अभी एक दूसरे शॉप में आए हम लोग, और यहाँ पे वैदू कुछ देख रही है, ये जो भी ड्रेसेस है यहाँ पर लगाए हुए, ये वैदू कुछ कुर्ता देख रही है अभी, कलर बहुत अच्छा है। गणपति फेस्टिवल तो खत्म हो गया था लेकिन अभी नवरात्रि फेस्टिवल है तो इसलिए और नया नया कलेक्शन आया था, तो ये ड्रेस वैदू एक देख रही थी। ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस वैदू ने देखे एंड इनमें से कुछ ड्रेसेस वैदू ने लिए, तो वो आपको वीडियो के एंड में दिखाएगी, तो वो देखना मजा आने वाला है। बहुत अच्छे कलर्स लिए उसने इस बार। अभी हम लोग आ गए खाने, शॉपिंग करते करते हम लोग थक गए, और ये रहा मेरा भेलपुरी, वैदू का पाव भाजी जो मैं पूरा खाने वाला हूँ। तो ले, मेरा तो तेरे पे ध्यान जा रहा है, तेरे को खाऊ। ऑलराइट, तो चलो खा लेते हैं और उसके बाद शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। क्या मंगाया हम लोग ने?
खाओ बजे तो मैं बिल्कुल खा नहीं पाई क्योंकि मेरा पेट एक पाव में ही भर गया और थोड़ा वही खाया। करण को ये कुछ खाना था, ये फालूदा है, मैं ज़्यादा नहीं खाने वाली हूँ। तो क्या हुआ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। हम लोग वहाँ पे खड़े थे वेटिंग में, तो ये एक वेटर लेके जा रहा था फालूदा। करण उस वेटर को पूछता ये क्या है, बोला ये फालूदा है। ठीक है एक मंगा था। और उस प्रकार ये फालूदा आया, ये देखो दिखाता हूँ, हाय हाय टेक्सचर, ओहो अब खाते हैं। वैसे रुके क्यों हम लोग? मैं टिश्यू के लिए रुकी, मुझे ये क्लीन करना है, इसलिए मैं टिश्यू के लिए। वैसे क्लीन नहीं है, डाला हुआ है, पकड़ लेता हूँ। चलो मेरे को भी क्लीन करना है। थैंक यू। खा के बताना मेरे को बाइट कैसा, मेरे को एक्सप्रेशन दे लेना। मीठा नहीं है, मैं इतना रुक नहीं सकता, इतना टाइम पास कर रही है लड़की। आहा, ये गाइस ये आपके लिए, अब ये मैं खाऊंगा। हाँ यार मीठा ही नहीं है। चलो खा लेते गाइस हम लोग ये भी। अभी मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, जा रहे अभी हम लोग घर पे। रात के बज गए 9:30 हो गए, हाँ 9:30 हो गए। अब घर पे जाएंगे और आपको ना दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ली है वैदू ने मस्त मस्त, तो घर पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है। तो चलते घर पे, है ना वैदू? वैदू इयररिंग्स क्या चमक रहे यार, ओहो क्या बात है। ये देखो गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, एकदम बारिश बारिश बारिश। चलो चलते घर पे। वैदू कहाँ, क्या ठंडी लग रहा है? अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जा रहे घर। ऑलमोस्ट 11 बज गए, तो मैंने कहा था ना कि घर जाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया, लेकिन आज नहीं कल शूट होगी। हाँ सुबह कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग और वीडियो बनाएंगे, और मेरे घर में सरप्राइज भी आया है तो वो भी दिखाएंगे। क्या सरप्राइज? हाँ ओके। सो गाइस अभी क्या हो रहा है पता, मैंने और करण ने बेट लगाया। करण बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, और मैं बोल रही हूँ ये 5 या 6 पे आएगा। तो अगर 1 पे आया तो मुझे करण को 500 देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये साइड आया तो, और अगर ये साइड आया तो करण को मुझे 500 देना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है नीचे मैं जीतू, क्योंकि एसी लोकल जनरली 6 या 5 पे आता है एज पर माई। 1 पे आने वाली है मैं बोल रहा हूँ, और नीचे उतरते आपको प्लेटफॉर्म दिखाएंगे कि कहाँ पे आ रहा है, और 500 दिखाएंगे कि वैदू मुझे कैसे दे रही है। बढ़ा रहा है 1000-1000 ठीक है। चलो प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, 500 रुपए लेने प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। देखा देखो सब लोग ये साइड खड़े गए, प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ 500 तैयार रखना। ठीक है वैदू, ए वैदू प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ 500 तैयार रखना। नहीं नहीं अभी थोड़ा रुको रुको रुको, 5 नंबर भी ये साइड आता है, 6 नंबर ये साइड आता है, 1 नंबर ये साइड आता है। वैदू बोल रही 5-6, मैं बोल रहा हूँ 1 नंबर, डन। चलेगा डन डन डन। ऑल राइट। तो क्या है फिर, हाँ किधर है वो देखो, 1 नंबर का बोर्ड गाइस, 1 सेकेंड किधर है ये देखो 1 नंबर। और कैसा लग रहा है? 500 वैदू 500 जल्दी ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई, दे जल्दी गाइस 1 नंबर और 500 रुपए। ₹500 जीतते हुए, छोटी ऐसी शर्त तो मुझसे रोज लगा, रोज मजा आ जाएगा। आगे से जाते। तो चलो चलते गाइस घर पे, और कल सुबह कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, क्योंकि अभी हार गई है तो मजा नहीं आएगा। कल सुबह दिखाते हैं कि क्या क्या लाया है, क्या क्या मिला है, क्या क्या लाया है। Hey guys, welcome back again. तो मॉर्निंग हो गई है, देखो मैं जस्ट उठी आज संडे। करण ने वो जो लगाया ना गाइस, वो चंदन लगा के दिया है मैंने उसको। तो एक और रेमेडी, जिसको अगर पिंपल आ रहा है तो चंदन घिस के लगाओ। तो मैंने जैसे कहा था कि मॉर्निंग में हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो जीजू और तो जीजू और मेरी दीदी आने वाले, तो जीजू और दीदी आ गए। और आते उन लोग सबसे पहले क्या बोल रहे पता है, उनको देख रहे हैं हमारा सिल्वर प्ले बटन। तो चलो मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ। ओके तो इनका रिएक्शन, जी भी बोले मैंने अभी तक वीडियो में ही देखा था, मुझे सामने देखना है कैसे देखना था हमें।
आम्ही आता विचार करतो कुठे लावणार कसं लावायचं. हम लोग हात में लेके हात में लेके लेते हैं भी अपना अपना हमारा भागो 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 बेसिकली आम्ही ते जेव्हा तुला अप्लाय करतो ना तर तेव्हा यू गेट ऑप्शन की काय काय तुला लिहायचं आहे. तर त्यासाठी काइंड ट्रॅव्हलर तर येतं बाय डिफॉल्ट, पण वैज्ञानिक आणि करण करण मी ऍड केलं मग ब्रॅकेट मध्ये म्हणून ते आलं. काइंड ट्रॅव्हलर ग्रुप नाव ऍड करू शकता आम्ही. सुपर सुपर खूपच असलं ना. Very soon you will receive golden button too. अरे बापरे टच वुड फिंगर्स क्रॉस देखते हैं. तो चलो अपन अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छे से हो जाएगा. पॉजिटिव वैसे भी पॉजिटिव. चलो चलो तो मैं अभी दिखाने वाली आप लोगों को क्या मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है. तो ज्यादा कुछ नहीं खरीदा मुझे दो एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं खरीदा एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं ठीक है. दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा है. तो सबसे पहले मैं ये ड्रेस दिखाऊंगी. जब ये मैं अभी पहन के तो नहीं दिखाने वाली, ऐसे दिखाने वाली, कभी ब्लॉग में पहन लूंगी तो आप लोग देख लेना. पर इसका जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट इतना कूल है, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा. और बहुत ज़्यादा लाइट वेट मटेरियल है तो कुछ इस तरीके से दिखता है. और इस पर ऐसा डिज़ाइन बना है, ये जो ये वर्क दिख रहा है डोंट नो इस वर्क को क्या बोलेंगे. और सेम ऐसा वर्क इसके बॉटम में भी है एंड सेम ऐसा वर्क इसके बॉटम्स में भी है. हाँ पजामा पजामा के बॉटम्स में भी है. तो कुछ इस तरीके से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. मुझे पता नहीं इसका कलर को क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत ब्लू और ग्रे की टोन की मैं तो ये ड्रेस खरीदा मैंने. आपको डिटेल में दिखा देंगे जब ये पहनेंगे. यस एक और ड्रेस खरीदा तो मुझे ना बहुत टाइम से चिकन कुर्ता लेना था, मेरे पास था चिकनकारी वर्क वाला. वो श्रावण थे तो हम लोग चिकन नहीं ले रहे थे ना, कुछ भी श्रावण का तो हमने वो चिकन कुर्ता तो ये लिया. इसके मुझे स्लीव्स इतने पसंद आए. ये जो फैब्रिक है ये अलग ही कुछ सिल्क सैटिन फैब्रिक है. ये इसका बॉटम है और ये ओमरी शेड में, दो शेड में है ये जो मैंने लिया है. ऊपर लाइट है और नीचे डार्क कलर है. ठीक है ये 3/4 लेंथ है. अब इसका वर्क मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ. मस्त है इसका वर्क, हैंडमेड है. हाँ और सबसे बेस्ट पार्ट तो इसके स्लीव्स है. ओ लाला मतलब आई डोंट नो, मेरे को बहुत पसंद है इसे स्लीव्स और बहुत ज़्यादा कम्फी लगते हैं. तो ये एक है और इसका बॉटम एकदम एक ही टोन में है, डार्क टोन में. तो ये एक ड्रेस लिया मैंने. और मैं ऐसे जब भी ड्रेस खरीदती हूँ ना मैं ये सोच के लेती हूँ कि मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, क्योंकि मैं जब ऑफिस में जाऊँ या कुछ कैजुअल ओकेशन में जाऊँ तो मैं पहन लूँ. जब ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनती हूँ तो बहुत लिमिटेड पहनती हूँ, कभी कभार पहनती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लेती. कैसे देख रहे हैं एंड यू गाइस रिमेंबर कि मैं टेलर के पास गई थी कुछ ड्रेस सिलने, तो वो ड्रेस भी आ गया. मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा दूं. पता है उसने इसका पैटर्न कैसे डिसाइड किया, स्कूटी पे बैठते बैठते ऐसे देख के कि मैं ये पैटर्न सिलूं. हाँ दैट वाज लाइक ठीक है. तो मुझे ना ऐसे टाइट बॉटम्स नहीं पसंद, मुझे एकदम से प्लाजो पैंट्स टाइप पसंद है. तो इसके ऐसे कुछ पैंट्स है, एकदम कम्फी पैंट्स है. इसको जिप एंड ऑल दे दिया है. ये कलर है अगेन, कलर वेरी प्रिटी कलर. ये कॉटन में है, मिक्स में है. और इसका ये मैं दिखाती हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न है. अब इसमें पूरा एक ही प्रिंट है. पीछे का जो बैक पैटर्न है ना, वाह दिस इज माय फेवरेट. तो मैंने जैसे अंकल को बताया था, अंकल ने वैसे ही सिला. तो बस अभी ये जब ड्रेस पहनूंगी तो आपको देखने मिल जाएगा. तो ये कुछ डिटेल में दिखाएंगे आप. हाँ तो मोस्टली दुर्गा पूजा में पहन लूंगी. और कुछ एक्सेसरीज खरीदे, ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं खरीदे. तो कुछ घर का सामान भी खरीदा, तो घर ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रहते हैं वो सब नहीं दिखाऊंगी. ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे कितने अच्छे से दिख रहे. पर इसका जो शाइन है ना, ओ माय गॉड इट्स वेरी नाइस, बहुत प्यारे. ये लिए और गोल्डन ब्राउन गोल्डन सिल्वर में लूप्स लिए, स्टार एंड ऑल शेप का कुछ इस तरीके से है ईयरिंग्स. तो बस इतना सा ही शॉपिंग किया हम लोगों ने एंड ज़्यादा कुछ नहीं लिया. बट ये जब भी मैं ड्रेस डालूंगी डेफिनेटली आप लोगों को दिखने मिलेगा. तभी आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा और कौन सा ड्रेस ज़्यादा पसंद आया. तो दैट वाज इट. तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए. हमको बुलाया है बाबू के, वेट कर रहा हूं. हाँ बाबू के घर पे लिट्टी चोखा बनाया है तो हमको बुलाया. तो हमने सोचा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको फटाफट दिखा देते हैं और आपको ऊपर मिलता है. तो चलो चलते हैं ऊपर खाना खाने.
फाइनली हम लोग ऊपर आ गए। क्यों ऊपर आए मैंने आपको बताया था कि दाल बाटी दाल चौका लिट्टी चौका सॉरी लिट्टी चौका बन रहा है एंड कशिश की मम्मी शिवांश की मम्मी बना रही है। ऑलमोस्ट हम लोग जब ऊपर आए तो सारी तैयारी हो चुकी थी, रेडी हो गया था, हम लोगों ने टेस्ट भी किया, इतना ज्यादा टेस्टी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो कांट वेट टू शो यू एंटायर प्लेट कैसे दिख रही है। प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी एक दिन आऊंगी इसके पास सीखूंगी कैसा होता है। और शिवांश खा रहा है और हम यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं, मेरी मॉम, वेदू की मॉम, मेरे डैड, सब लोग है यहाँ पर। तो चलो सबका प्लेट सब होने दो, उसके बाद आपको दिखाते हैं बहुत टेस्टी चीज बनाई है भाई, बहुत मजा आने वाला है खाने। ओके तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे। ओ माय गॉड, दाल भी बनी है, ये लिट्टी है और ये चोखा है, राइट, और ये पापड़, और इनकी जो ये ग्रीन चटनी है ना, ओ माय गॉड इतनी टेस्टी है। और ये रही मेरी मॉम, ये रही मेरी सासू माँ शिवांश, हाय कर दो। हाँ हाय, हाय कर दो कशिश, और मेरे ससुर जी वहाँ बैठे, और ये हाय कर दो। तू कुछ नहीं खा रहा, तू तब से टाइम पास कर रहा है, खा। शिवांश की प्लेट वहाँ पे, पर ये उठ के इधर आ रहा है बार बार। तो अभी हम लोग खाएंगे और बताएंगे कैसा। और दीदी और भैया अंदर है, वे कह रहे नहीं अभी आएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो दीदी आ गई है और सर्व कर रही है, जब तक हमारा कि प्लेट वापस कंप्लीट हो गई क्योंकि रायता मिसिंग था। रायता आ गया और चावल भी बने, थोड़ी देर में चावल भी आ जाएंगे, अभी खा के देखते हैं। बाबू आप पानी लाए मेरे लिए, थैंक यू। वैदू का प्लेट एकदम मस्त लगता हुआ, और प्लेट मस्त लग रहे हैं। अभी मैं वेट नहीं कर रही, मैं टेस्ट कर थोड़ा। ये लोग तो स्टार्ट भी हो गए, देखो स्टार्ट भी मैं खा के देखने वाली हूँ। कशिश का प्लेट आ रहा है, कशिश कांट वेट। अरे ये तो स्टार्ट नहीं है, कशिश तुम्हें तो तुरंत अपना प्लेट लेके आओ, मुझे क्या लगता है। और ये मेरा प्लेट यहाँ पर। तो हमारी लिट्टी चोगा पार्टी हो गई है स्टार्ट। इतना ज़्यादा टेस्टी बना नहीं है, मैं एक दिन स्पेशली दीदी के पास आने वाली हूँ। दीदी आपको मुझे रेसिपी बतानी है, सिखाना है कैसा बनाते हैं, और मैं आप लोगों के लिए लाइव बताऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कम से कम 15 कमेंट चाहिए कि हमको पता। 50 50 चलो देखते हैं, पर दीदी थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट, और भैया थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलो अब मैं रुक नहीं सकता, अब मैं खा रहा हूँ।